जय शनिदेव सभी को। मैं हाजिर हूँ वापस आपके लिए ज्ञान भरे वीडियो लेके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी हम जाप कैसे करें, जाप करने के क्या तरीके होते हैं, सही मायने में जाप किस लिए किया जाता है, जाप से सुरक्षा आप स्वयं की कैसे कर सकते हैं, वह हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके की सिद्धि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज मैं मूल टॉपिक पर बताने आई हूँ आपको, जो आपकी सिद्धि शरीर में जगह कैसे बनाती है। जब आप किसी भी देवता की पूजा लगातार 10 से 15 दिन तक करते हैं, मूलतः कम से कम 11 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन तक, आप जब भी किसी भी देवता की पूजा या साधना धीरे 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 दिन पे दिन बढ़ाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, रोज़ एक तरीके की एनर्जी इकट्ठी होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा इकट्ठी होती है जो आपके ओरे में इन्वॉल्व होती रहती है, ठीक है। हर बॉडी का एक आभा होती है, एक ओरा होता है जो उसकी लेयर्स में बटा होता है, जो उससे कनेक्टेड होता है, उसके भ्रमरंध्र से, उसके नाभि कमल से और उसकी होल प्रॉपर बॉडी से, ठीक है। तो ये आपका ओरा हो गया जो 12 सर्कल्स में डिफाइन होता है, जो प्रीतम भैया ने आपको बताया हुआ है। 12 चक्रों का एक सर्कल होता है जिसके अंदर 12 लेयर होती है, वो आपका प्रॉपर ओरा होता है जो हर किसी के पास वेल डिफाइंड रूप में होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता या फिर सूक्ष्म तरंग जो मलिन है परेशान ना करे। दूसरी चीज, सिद्धियां पूरी तरह से जागृत करने के लिए आपको कम से कम 11 दिन की साधना और ज्यादा से ज्यादा 41 दिन की साधना करनी पड़ती है। धोने की साधनाएं अलग होती हैं, देसी साधनाएं अलग होती हैं, लेकिन सात्विक साधना और तामसिक साधना में बहुत बड़ा एक खिंचाव है जो अपने अपने हिसाब से सब आदमी करते हैं। दोनों में अंतर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तामसिक साधनाएं तामसिक भोग के द्वारा की जाती हैं और जो सात्विक साधना है वो सात्विक भोग के द्वारा की जाती है। बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरे जैसे, हम लोग बिना भोग दिए साधनाएं करते हैं। कैसे? सिर्फ अगरबत्ती और धुएं पे। धुआं मीन्स हवन का धुआं, अग्नि का धुआं, जैसे आप नवरात्रि करते हैं सात्विक। नवरात्रि भी 9 दिन की एक तरीके की साधना है जो 9 दिन में आप पूर्ण रूप से माता को समर्पण करते हुए करते हैं। ना आप उस समय किसी प्रकार का बाहर का या फिर तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं, ना रासिक, क्योंकि उसमें सात्विक खाना खाना होता है, आलू संबंधित या ऐसे ही किसी प्रकार का कोई भी आटा जो अन्न में ना हो। सिंपल सात्विक खाना आप जब खा के साधना करते हैं तो वैसे ही सिंपल सात्विक सिद्धि आपको प्राप्त होती है। जैसे आप हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान जी पूर्ण रूप से 11 दिन में दर्शन दे देते हैं। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूँगी, जब मैंने हनुमान साधना की थी, सिर्फ मैंने सिर्फ साधना सिर्फ दर्शन के लिए या फिर किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं की थी, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि श्री हनुमान जी, जो सब पूरी दुनिया के पंडित बोलते हैं कि भाई नहीं, हनुमान जी की साधना महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, उन्हें छूना नहीं चाहिए, उनकी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो ये मैंने स्वयं से गलत साबित किया है। मैंने स्वयं से 3 दिन के अंदर हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं, उनकी प्राप्ति भी की है, अपने लिए सुरक्षा कवच भी तैयार किए हैं, उनसे संबंधित एक हनुमान स्त्रोत का निर्माण भी किया है, और आने वाले लोगों को धाम में जो भी आते हैं उनको मंत्र हीलिंग में मैं श्री बजरंग बली का ही मंत्र कवच का पाठ करके उनको प्रॉपर रेस्ट कर पाते। किस तरीके से? जैसे कि आप मानते हैं कि धीरे 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 शरीर में एक तरीके की ऊर्जा इकट्ठी होती है, जो सबसे पहले आपके नाभि कमल पे गिरती है। नाभि कमल में एक आसन पूरी तरीके से जागृत हो जाता है। धीरे धीरे जब नाभि पे आपके वो मलिनता हटाती जाती है, आपकी जो भी जप किए हुए जो एनर्जी है, जो मैंने बताया कि एक गोला होता है जो आपके अंदर इकट्ठा होता है सिद्धि के लिए। सिद्धि आपने 1 दिन की थोड़ा गोला बना, 2 दिन की थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 दिन की थोड़ा बड़ा हो गया, 4 दिन की थोड़ा और बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके प्रॉपर आसन बन जाता है। आसन जब आपके स्थित होता है सामने, जब भी आपके पास कोई भी सिद्धि प्रकट होगी, सबसे पहले आपके मुखाभिमुख होगी, मुख के सामने, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर बॉडी, सेंटर इन फ्रंट ऑफ योर फेस, ओके, सामने बिल्कुल सिद्धि बनेगी। आपको महसूस सिर्फ उनकी तरंगे होंगी, अनुभूति होगी। आप क्योंकि प्रॉपर कवच में बैठे हैं तो जो सिद्धि बनेगी वो आपके कवच के अंदर होगी, इसीलिए साधना के दौरान कवच लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी साधना बिना कवच के बिना करते हैं तो कोई भी नकारात्मकता, आपका जो इकट्ठा हुआ जो गोले की एनर्जी है, ठीक है, इसको एक तरीके से आहार मान के वो पूरा ग्रहण कर लेगी, क्योंकि आपने कवर तो लगाया नहीं। जब कवर के अंदर कोई भी सिद्धि आपकी बनेगी तो उसको
क्योंकि वो जागृत है। कोई भी कवच होता है जो जिसके देवता के नाम का आप कवच लगाते हैं, वो आपकी साधना के दौरान आपकी रक्षा करता है, उस सिद्धि को पूर्ण रूप से बनाने में मदद करता है, वह आपकी बॉडी किसी भी प्रकार से मलिनता का व नकारात्मकता का शिकार ना हो, इसलिए वो आपको फुल ऑफ प्रोटेक्शन देता है। तीसरी चीज, जब आप ये पूरी सिद्धि का जो प्रोसेस है वो 11 दिन का, हम 11 दिन का लेके चलते हैं पहले, 11 दिन में जब पूरा कवर करेंगे तो आपको अनुभव 5 दिन से ही होने शुरू हो जाएंगे। जब अनुभव 5 दिन से शुरू होने लगते हैं तो आपको उसके क्या क्या लक्षण है मैं आपको बता देती हूँ। उबासी आना बंद हो जाएगी, बॉडी स्थिर होना शुरू हो जाएगी, मन में मलिन विचार बिल्कुल खत्म होने लगेंगे, बॉडी एकदम केंद्रित रहने लगेगी, डिसिप्लिन रहने लगेगी, निंद्रावस्था ठीक हो जाएगी, बॉडी में अगर कोई असमंजस पेन है या किसी प्रकार की इरेगुलर एक्टिविटी होती है, मान लो पेट में खाना नहीं पचता है या फिर छाती में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो किसी प्रकार की ऐसे अनहैपनिंग चीज़ें अगर बॉडी के साथ होती है तो विद इन 10 days और 11 days साधना के दौरान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ 100% ठीक हो जाएगी। बस आपको ध्यान, जाप और साधना तीनों के प्रकार एकदम इक्वल रखने, ठीक है? कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले आप जाप करेंगे, जाप आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करके जितना आपका मन करे, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21, 51, 101, जितनी आपको करनी है आप करी। सबसे कम 5 माला, जो बिल्कुल माला नहीं उठाना चाहता वो 5 माला करे। 5 माला आपने की, उसके बाद आप उठिए, अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए और आप हाथ मुंह धोइए। वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जाइए, क्योंकि ध्यान के बाद जस्ट वॉशरूम जाएंगे तो सारी एनर्जी थ्रू ऑफ योर यूरिन निकल जाएगी, थ्रू आउट हो जाएगी। तो जाप, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं हमें अनुभव नहीं होते, हम जाप करते हैं हमें इष्ट महसूस नहीं हो रहे, क्योंकि आप ये सब गलत चीजें कर रहे हैं। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी उस चीज को ग्रहण ही नहीं कर रही है जो निकाल दे रही है, वो आपको अनुभव क्या होंगे उसके, नहीं होंगे, 0/0। तो आपको करना कैसे है मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ तरीका। पहले ध्यान कीजिए, जाप करा, जाप वाला मैंने आपको बता दिया है, जाप करा 5 माला, फिर ध्यान कीजिए। वॉशरूम होया है, आप जाप कर लिया आपने, 5 माला जप ली, वॉशरूम होया है, बैठे, प्रॉपर आसन पे बैठिए। अगर पैर में कोई दिक्कत है, नहीं बैठ पा रहे तो चेयर ले लीजिए या फिर कोई मोटी गद्दी लगा लीजिए अपने नीचे, ताकि आपको आपकी बैक को, आपकी रीढ़ की हड्डी को एक तरीके का पोस्चर मिल जाए ट्रायंगल शेप। क्योंकि हमेशा आपने कहीं भी देखा होगा ट्रायंगल शेप में का जो ट्रायंगल का जो मेन पॉइंट है उस पर कॉस्मिक एनर्जी बहुत तेजी से गिरती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा उस पोस्चर में जाके उसको खींचने लगती है। ये आपकी बॉडी का ट्रायंगल है, ये आपकी बेस है जिसके बीच में मूलाधार होता है, ये आपका बेस है, मान लो ये बेस है, यहाँ मूलाधार है स्वाधिष्ठान मणिपुरा, 3 चक्र पास होते हैं, मणिपुरा हल्का सा ऊपर होता है, फिर धीरे 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 7 चक्र तक ये कुंडलिनी चलने लगती है। कैसे आपको मैं प्रॉपर बता देती हूँ, ओम मुद्रा आपको बनानी है, ठीक है, या फिर ध्यान मुद्रा लॉक करना है, ठीक है, गहरी सांस लेनी है एक नाक के थ्रू, माउथ से रिलीज करनी है, ऐसा 3 times करना है, 3 बार करा, हल्की सी आंखें बंद करनी है और ध्यान में उतर जाना है, लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है, किसी भी चीज को नकारना नहीं है, तोड़ना नहीं है, अपने विचारों को दबाना नहीं है, आने दो बढ़िया से, अच्छे विचार, बुरे विचार, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, पास्ट की बातें, कुछ गलत हुआ है, किसी चीज़ का गिल्ट है मन में, आएगा, आंसू भी निकलेंगे, क्योंकि जब आप उस प्राण ऊर्जा से कॉस्मिक लेवल तक कनेक्ट करते हैं, आपके जो आधार है उसके नाभि, नाभि के पास जठराग्नि, जठराग्नि के पास एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके शरीर में पचाने का काम करती है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा आपको हेल्प करती है जब आप ध्यान करते हैं।
ठीक है, ध्यान करते हैं जब, वैसे नहीं, ध्यान करेंगे जब कॉस्मिक एनर्जी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, जब आपकी बॉडी ट्रायंगल शेप में हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ट्रायंगल शेप में आपकी बॉडी आ गई, आप ध्यान कर रहे हैं, आप रिलैक्स मोड में, बॉडी एकदम केंद्रित है, सांस पे प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं, ना नाभि पे, ना कहीं और किसी बातों पे, कंसंट्रेशन यहाँ पर और ध्यान पूरा सांस पे। धीरे 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 सांस धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, नाभि से उठ के छाती पे, फिर गले में, फिर नाक तक महसूस होगी, ऊपर कम होती हुई, क्योंकि रोम छिद्र पूरी तरह से सांस लेने लगेंगे, ब्रीथ आउट होगी अच्छे से, बॉडी एकदम हल्की हो जाएगी, धीरे धीरे पैर सुन्न होने लगेंगे। जैसे ही पैर सुन्न होने लगेंगे, ध्यान सारा पैरों पे चला जाएगा, वहीं से बात खराब हो जाएगी। तो जितनी देर पैर सुन्न होते हैं, जब तक तो बैठिए, मान लो आप 10 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, 5 मिनट भी बहुत है, रोज का अगर 5 मिनट बैठते हैं 15 दिन में डेफिनेटली अनुभव होंगे, नहीं होते या फिर वो गलती कर रहे हैं आप वॉशरूम वाली, जस्ट ध्यान करके वॉशरूम नहीं जाना फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, आपने जाप किया, आपने ध्यान किया, 5 माला जाप की, 20 मिनट एटलीस्ट 20 मिनट लेके चलते हैं, 20 मिनट ध्यान किया, बॉडी को अच्छा फील हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, थोड़ी देर जो भी आपके इष्ट है, शिव, पार्वती, गौरी माता, काली माता, दुर्गा माता, हनुमान जी, या कोई पीर पैगंबर, या जिनको भी आप एज ए इष्ट रूप आप देखते हैं, आप उनको मानते हैं, उनकी प्रतिमा या फिर फोटो पे जो भी सामने रखी है उस पे थोड़ी देर त्राटक करो, सिर्फ 5 मिनट का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, दिमाग खराब होने लगेगा, सर दर्द हो जाएगा, क्यों करना इतना ज्यादा, महसूस ही तो करना है। आदमी ध्यान क्यों करता है? ईश्वर को पाने के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्म मिलन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, ताकि खुद की नजरों में खुद की एक इज्जत बने, वो सिर्फ ध्यान से आ सकती है। जिंदगी में भरा है दुख, किसी को किसी चीज की दिक्कत है, किसी को किसी, आप जिसकी सुन लो, हर किसी के अंदर दुख है, बट खुद को खुश रखोगे तो सारी चीजें अच्छी लगेंगी। दुनिया में बहुत कुछ करते हैं लोग, बहुत सारी चीजें करते हैं, अमीर है, गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, हर कैटेगरी के लोग इस दुनिया में है, बट हर किसी के पास एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डेफिनेटली है, जिससे वो लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, दबा रहा है, अंदर दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, कब निकलेगी वो बाहर, वो किसी और रूप में निकल रही, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा मन हो रहा है, आप चिल्ला के बोल रहे हैं, मार दे रहे हैं, निकालो बाहर, निकालनी पड़ेगी उसे, कैसे, विद इन ऑफ मेडिटेशन, ड्यूरिंग ऑफ मेडिटेशन। ध्यान एक इतनी अच्छी चीज है बॉडी के लिए, जो खुद पे तो, स्वयं पे तो ध्यान देना सिखाती है, खुद के गिल्ट को भी खत्म करती है, खुद की नेगेटिविटी को भी खत्म करती है, खुद के विचारों को भी काबू करती है। इंद्रासन हिलाए इससे पहले आप अपनी इंद्रियां हिला लीजिए। ये मानव शरीर एक यंत्र है जो एक तरीके से अगर घूम गया ना तो दुनिया घुमा देता है इंसान। पॉजिटिविटी आपके अंदर है, बाहर से कहीं से नहीं आएगी, हर चीज आपके अंदर है। बैलेंस के साथ साथ डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है, दोनों चीजें लेवल होनी चाहिए, ऊर्जाएं भी और ध्यान भी, खाना पीना भी और पानी भी, ठीक है, सोना भी और जगना भी, बैलेंस विद डिसिप्लिन, सारी चीजें बहुत जरूरी है। पहले जाप, फिर ध्यान, फिर त्राटक। त्राटक सबसे लास्ट में इसलिए करना है कि जो जाप के समय आपने ऊर्जा बनाई वो बाहर निकल के ओरा बना दिया। जाप से ओरा बनता है सिर्फ, और दर्शन होते हैं। दर्शन भी जब हो गए ना, जब सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होगी, बिना दिव्य दृष्टि के देव दर्शन कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। या तो देवता आपको बहुत प्यार करता हो, नहीं तो आपको सीढ़ी बना के खुद जाना पड़ेगा। जाप किया, ध्यान किया, जाप से ओरा बनाया, ध्यान से सूक्ष्म शरीर को प्रोटेक्ट किया, और थर्ड आई के लिए प्रैक्टिस की। ना चाहते हुए थर्ड आई एक्टिवेट होती ही होती है। जब कुंडलिनी उठ के आगे चक्र पे जाएगी, सारे चक्रों को भेदती हुई इड़ा पिंगला सुषुम्ना साथ में उड़ेंगी, तो पंख खुलेंगे ही खुलेंगे,
तो वो शरीर से बाहर निकलोगे ही निकलोगे। ये एक तरीके के सूक्ष्म पंख खोलने जैसा है जो आपके सूक्ष्म शरीर को पिघलाती हुई शरीर से बाहर निकाल देती है नाभि के रास्ते, जिससे एक तरंग जुड़ी होती है और वो खिंचती चली जाती है और पूरे जहां आप चाहे ब्रह्मांड में घूम सकते। शुरू में गंदे विचार आएंगे, दबाव पड़ेंगे, आसपास के लोग कहेंगे ये संत बन गया है, ये पागल हो गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। आपको खुद भी लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा वाला पार्टी वार्टी करता था, क्या कर रहा हूँ। लेकिन 15 दिन के अंदर आपको रोज करने वाला जो ध्यान अभी तक जिसके लिए आपने मेहनत की, उसका नतीजा 15 दिन के बाद मिलने लगेगा और आपको लगेगा कि आप अंदर से खुश हैं, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, कोई आपसे बात करता है अट्रैक्ट हो जाता है, आपके साथ खड़े होकर उसको गलत विचार नहीं आते, वो आपसे सॉल्यूशन लेने लगेगा, भाई मैं ये क्या करूँ या बहन मैं ये क्या करूँ। लाइफ की डिसीजन अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आपसे आपको खुद लगेगा आपका चेहरा ग्लो करने लगा है, बॉडी बहुत संतुष्ट हो गई है, ज़्यादा खाना नहीं है, ज़्यादा पीना नहीं है, नींद भी बहुत हिसाब से आने लगेगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बॉडी बैलेंस हो जाएगी, भूख भी एकदम टाइम पे लगेगी पूरी तरह से, जो भी अर्सेंट ने जो भी बॉडी पेन था आपको वो सारा एकदम मेंटेन हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया हो जो भी मैंने बताया, मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी आपसे, आप सीखिए। मैं बहुत दिन से चाह रही थी आप लोगों से बात करूँ और सिखाऊँ, बट जितना मेरा अनुभव है मैं उतना ही सिखा सकती हूँ। दुनिया में हजारों गुरु हैं, हजारों चीज़ें बताते हैं, कुंडलिनी के ही बारे में हजारों किताब है, लाखों किताब है, मन के बारे में इतनी किताबें हैं, बट जो एक्सपीरियंस वाली बातें होती है ना वो आपको किसी यूट्यूब साइट किसी किताब में नहीं मिलेगी, जो आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे। जब तक खुद नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा। उठो और ध्यान करो। जय श्री कृष्ण।